हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। इस महान शख्सियत का हमें भी सभी से इंतजार था। वो महान शख्सियत हमारे बीच में पहुंच गई। आप सभी दर्शकों से, सभी अक्षित सर्वतावासियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर खड़े होते थे। मुख्य अतिथि महोदय का आदर सत्कार और सम्मान करें। आदरणीय श्री नयनपाल राउत जी MLA हरियाणा सरकार हमारे बीच में पहुंच चुकी है। इनका हमारे बीच में आज हमें आदरणीय श्रीमती डॉक्टर अनमोल जी उपमंडल अधिकारी खरगोदा इनको साथ लेकर के मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वो तालियां बजा करके भेजने पर पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब आदरणीय अतिथि महोदय, सबसे पहले हरियाणा पुलिस की टुकड़ी का निरीक्षण करते हैं। इसकी कमांडर श्री हरमेंद्र जी, इसके बाद प्रताप सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्लाटून कमांडर कुमारी मानसी, गवर्नमेंट बॉयज खरगोदा प्लाटून कमांडर कुणाल, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियों और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। भाइयों बहनों, मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों की के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। मैं शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। अब तक शहीदों के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हरियाणा एक और हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, गीता के कर्म के संदेश की इस पावन हरि की भूमि के इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सलामी हरियाणा पुलिस की टुकड़ी के द्वारा कुमारी मानसी प्रताप सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की NCC की टुकड़ी राष्ट्रीय इसी कड़ी में PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी खरखोदा की ये टुकड़ी बहुत ही जज्बे के साथ ये सलामी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडू प्लाटून कमांडर कैडेट्स भावेश राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए प्लाटून कमांडर कैडेट्स हिमांशु राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए बहुत ही देशभक्ति का ये जज्बा इन सभी NCC के जवानों में दिखाई। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन बच्चों का
Thank you.
तालियां। उनके लिए जोरदार तालियां। उनके लिए जोरदार तालियां। खरखुदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा में IMT में अलग अलग साइज की इंडस्ट्रियल प्लांट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लांट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93555-50009 पर संपर्क करें। प्रताप स्कूल खरखुदा, देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहां छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।